ये सरा बकरा की आयत नंबर बयानवे है इस आयत में अल्लाह ताला बन उराइल से ख़िताब कर रहा है मूसा इस्लाम के ज़माने में जो बनु इसराइल थे उनका जिक्र हो रहा है कि मूसा आलाम उनके पास अल्लाह का पैगाम ले आए तोरेत ले आए अहकाम लाए मसाइल लाए शरीयत लाए हर किस्म के दलाइल जिनकी ज़रूरत थी उनको हिदायत के लिए वो ले करके आए मूसा आलाम को अल्लाह ने बुलाया और तीस रातों के लिए फिर दस की गिनती का इजाफा हुआ चालीस रातों के लिए चालीस दिन तक वो गायब थे उनके बीच में से और अपनी जगह हारून अल इस्लाम जो उनके भाई थे अपना जानशीन बना दिया अब तीस दिन जब हो गया अल्लाह ने दस दिन बढ़ाया था तीस दिन जब हो गया तो अब इनके अंदर शैतान गर्दिश करने लगा बन उराइल के अंदर और सामरी ने बछड़े को माबूद बना करके उनको फितने में डाल दिया बछड़ा बनाया और बछड़े के अंदर जो भी चीज दाखिल की जाती है जो घोड़े के कदमों के निशानात से मिट्टी वगैरह लेकर के उसको तैयार कर दिया कहा कि देखो अब मुशाला सलाम नहीं आएंगे अब ये तुम्हारा माबूद है इसकी इबादत करना है बछड़े की इबादत में उनको दाखिल कर दिया मेरे भाइयों शर्क कितनी ख़तरनाक चीज़ है कि तीस दिन तक नबी गायब थे और उनके जानशीन हारून मौजूद थे फिर भी कौम शर्क में पड़ गई हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो कहेंगे हमें तोहेद की क्या ज़रूरत है हमें अकीदे की क्या ज़रूरत है हम तो पुराने लोग हैं अरे मेरे भाइयों इस पर या गरूर नहीं करना चाहिए हर आदमी अकीदे और तोहेद का मोहताज है कितने ऐसे लोग हैं जो मुंबई के अंदर तीस चालीस साल पहले आए बस गए आसपास में उनके मस्जिदें नहीं थीं साफ सुथरी वही शिरक और बिदत को पुकारने वाली बेदती की मस्जिदें थीं वो तो अपने आप को बचा ले गए लेकिन उनकी आज दरगाहों पर सजदा करती है मामूली ख़तरनाक चीज़ नहीं है व जनुबनी व बने या अबूद्लम इब्राहिम अपने लिए आलो औलाद के लिए अल्लाह से दुआ करते कि परस्ती से बचा ले जो कि अबुल मुहिदीन है अबुल अंबिया है क्या हो गया है हमें कि दो चार किताबें पढ़ लिया दो चार लेक्चर अटेंड कर लिया एक आध बार पे कोई किताब पढ़ लिया सुन लिया तो हम समझते हैं हम पक्के हो गए जिंदगी के आखिरी लम्हे तक आदमी तोहहीद की हिफाजत की फिक्र करे तोहहीद को सीखे इससे कीमती चीज नहीं है तीस दिन में बनू इसराइल का क्या हाल हुआ नबी तीस दिन गायब हुए चालीस दिन दस ही दिन का ना इजाफा हुआ उस दस दिन में क्या हुआ के तुम मत तुम जाने के बाद बछड़ा बना करके बछड़े को माबूद बना लिया सामरी ने और कहा कि अब यही तुम्हारा और मूसा का भी मबूद रहेगा हारून अल मौजूद हैं वो समझा रहे हैं नसीहत कर रहे हैं लेकिन उनकी नहीं मान रहे है मूसा कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने फ़ौर कबूल कर लिया कुछ लोगों ने कहा कि नहीं हम मूसा इस्लाम के आने का इंतज़ार करेंगे कुछ लोग इनकार करने वाले मामूली लोग थे अब ज़ाहिर सी बात हारून हारन और जो चंद लोग उनके साथ थे वो इनकार करने वाले थे कुछ लोग चुप हो गए कुछ लोग कबूल करने वाले हो गए यहाँ एक चीज़ गौर करने की है कि आज जो लोग अपने से बछड़ा बनाएं, गाय बनाएं मूर्ति बनाएं और उसको अपना माबूद और इबादत गुजार समझें इनका ताल्लुक किससे है वही बनु इसराइल जैसे सरकश कौम से यहूद नसारा से ये वही कौम थी जो अपना देवता अपने हाथों से बछड़े की शक्ल में बना के कहती ये तुम्हारा माबूद है और रसूलों की दावत को ठुकरा देती थी तो ईस आय से जो चंद मसायल साबित होते हैं पहला मसला बनु इसराइल ऐसी कौम थी जिनके दरमियान अल्लाह ने बहुत ज्यादा रसूल भेजे बड़े बड़े अंबिया रसूलों को भेजा किताबें भेजी इतनी सरकश इतनी सरकश के रसूलों पर हाथ उठाते तलवार उठाते कत्ल कर देते ठुकरा देते उनकी मौजूदगी में इबादत करने लगे बशरा बना करके यानी हद से ज्यादा बदतरीन और बुरी कौम के लोग थे बुरी कौम थी ये दूसरा मसला अक्ल से पैदल थे बेवकूफ़ थे इसीलिए ने लिखा है अल्लामा शेख मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने जगह जगह अपने दुरुस् और किताब में और इस तफसीर में भी बयान किया है कि अक्ल की दो किस्में होती एक है अक्ल इदराक दूसरी है अक्ल रुष्ट, अक्ल इदराक का मतलब कि आदमी मामले को समझ जाता है और बहुत आगे चला जाता है जैसे टेक्नोलॉजी है साइंस है मेकानिकल है इंजीनियरिंग है और दुनिया के सारे तरक्की ये ऐसा नहीं कि एकदम बेवकूफ़ है अक्ल है अक्ल इदराक इनके पास है दुनियादारी दुनिया को समझने की अक्ल की दूसरी किस्म अक्ल अक्ल रुश्त है यानी अक्ल की वो सूरत जिससे हिदायत के रास्ते को पा सकें कैच कर सकें पकड़ सकें उसकी कमी है इनके पास तो ये लोग बेवकूफ़ थे अक्ल रुश्त से मरूम थे अक्ल इदराक तो भरी है दुनिया में आज यूदो न सारा के पास लेकिन अकले रुश्द से वो महरूम हैं, तो बनु इसराइल उन्हीं लोगों में से थे तीसरा और आखिरी जो फायदा और मसला साबित होता है उन्होंने अपने हाथों से बछड़ा बनाया अब सोचिए कि बछड़े की मूर्ति बनाई बछड़े को देख के बछड़ा बना लिया पता कि अपने हाथों से बना रहे हैं और कह रहे हैं कि यह तुम्हारा और मूसा का माबूद है अब इसकी इबादत की जाएगी मबूद कौन होता है खालिक कौन होता है खालिक पैदा करता है मखलूक़ को और मखलूक इबादत खालिक की करती है हम जिसकी इबादत करते हैं उसने हमें पैदा किया है हम जिसको पैदा करें उसकी इबादत नहीं करेंगे वो तो हमसे मिसकिन कमज़ोर है ये मूर्ति ये देवी देवता पत्थर ये तो हमारे हाथों के बनाए हैं ये कैसे हमारे महबूद हो जाएंगे हमारा मबूद तो वो होगा जिसने हमें पैदा किया हमें रोजी देता है किसी ने कहा ना कि मेरे हाथों के तराशे हुए पत्थर के सनम आज भगवान बने बैठे हैं बुद्ध खानों में एक आदमी फटी धोती फटी बनियाई पहन के बेचारा साल भर मूर्ति बनाएगा बैठ करके और रंग लीपा पोती शानदार उसकी मूर्ति किसी बुत खाने में नस्ब कर दी जाएगी और वो पूजी जाएगी और जिसने वो मूर्ति और देवता बनाया वो वही फटी लुंगी बनियान के साथ साल भर वो मिट्टी और कलर करके मूर्ति बनाता रहेगा वो फकीर का फकीर रह जाएगा इंसान सोचे कि जो मबूद होता है जिसकी इबादत की जाती है वो तो मुख्तार कुल होता है वो अपनी मखलूक को नवाजता है बंदा आबिद है इबादत करने वाला है और इबादत सिर्फ़ अल्लाह की की जाएगी जो सारी दुनिया का पालन हार है सब लोग उसके मोहताज हैं वो किसी का मोहताज नहीं है तो बनु इसराइल के एक सरकशी एक जुल्म का अल्लाह ने जिक्र किया कि हर वो शख्स जो अल्लाह के सिवा किसी और की परस्तिश और इबादत के रास्ते पर जाता है वो जालिम है और सबसे बड़ा जुल्म वो अपने ऊपर करता है चाहे बछड़ा पूजने वाले हों चाहे बंदर पूजने वाले हों गाय पूजने वाले हों औरतों को पूजने वाले हों पत्थर पूजने वाले हों दरख्तों को पूजने वाले कबरों को पूजने वाले हों फरिश्तों को पूजने वाले हों रसूलों को पूजने वाले हों या और किसी मखलूक को पूजे, ये ज़ालिम खुद अपने ऊपर अपने इस अमल से जुल्म करते हैं क्योंकि ये अमल शिरक है इन न शरक शिरक सबसे बड़ा म्म है अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताली हमें तोहैद की पुख्तगी और सलामती याता फरमाए हमें और हमारी आलो औलाद को तोहीद पर कायम रखे मेरे भाइयों तीस दिन में बनु इसराइल फितने में पड़ गए बछड़े को मबूद देख करके आज पूरा मुल्क पूरी मशीनरी पूरे चैनल पूरे अखबार एक मूर्ति को जिस अंदाज में हाई कर रहे हैं मबूद की शक्ल में अपने बच्चों को अगर आप तो की जड़ें नहीं मजबूत करोगे तो पहले उसके ताल्लुक से नरमी आएगी फिर मोहब्बत आएगी फिर कहेंगे कोई बात नहीं इसको भी शरीक कर लेते हैं शर्क धीरे धीरे दाखिल होता है और शिरक़ की नश्रशात बड़ी तेज़ी से मुनसब अंदाज में हो रही है अपनी आलू औलाद की हमें फिक्र करनी चाहिए और चालीस दिन मूसा इस्लाम गायब से तो वो फितने में पड़ गए आज हम हमा से कट कर ज़िंदगी गुजारते हैं कहते हैं आलिम की ज़रूरत नहीं मेरे भाइयों जिस कौम से हट जाएं या जिस कौम का पर से परचमाद हट जाएगा वो कौम फितनों में पड़ जाएगी मूसा मूसम की कौम उनकी गैर मौजूदगी में फ़ितने में पड़ी थीमा एक शान रखते हैं तो इब्न अब्दुल दुलबर का कौल है कि कुल्ल आलमिनसरा जो ज़माने ही हर आलिम अपने ज़माने का चराग है अलौलमा सुरजुलआज़म ज़माने के चराग हैं हर आलिम अपने ज़माने का चराग है जिससे ज़माने वाले रोशनी हासिल करते हैं कोई किसी मस्जिद का इमाम है तो वहाँ का चराग है कोई महल्ले के मकतब या मस्जिद का मदरस है तो वहाँ का चिराग है कोई दाई है आलिम है तो जो जिस पैमाने का है वो चिराग उतना ही बड़ा है आपसे दरख्वास्त है कि से जुड़ कर रहिए उनसे इल्म हासिल कीजिए उनसे सबक हासिल कीजिए और मू सलाम की ये कौम जो चंद दिनों की गैर हाजिरी की वजह से फितने में पड़ गई इससे इबरत हासिल कीजिए कि कितना ख़तरनाक मामला होता है से कट कर ज़िंदगी गुजारने का या अपने आप को बहुत ज़्यादा और जो है काबिल समझ लेने का अल्लाह हमें इल्म की लज्ज़त अता फ़रमाए और इल्म से जुड़े रहने की तोफ़ी अता फ़रमाए पिछले कौमों के जो वाकयात इबरत के लिए बयान किए गए उनसे इबरत नसीहत हासिल करने की तोफ़ी अता फ़रमाए मेरे भाइयों कितने ऐसे लोग हैं जो कनाडा में बरतानिया अमेरिका दूसरे मुल्कों में जाकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं वहाँ उलमा नहीं हैं मसाजिद नहीं हैं जो गए वो तो सही सालिम हैं लेकिन वो कहते हैं आ कर के रोते हुए बताते हैं कि हमारे बाद हमारी औलाद का क्या मुस्कबिल होगा हम नहीं जानते कि ये यहूदी बनेंगे या नसरानी बनेंगे दोनों में से कोई एक बनेंगे और मशरक तो हल में बनेंगे और यहाँ तक कि औलाद थोड़ी देर तक कायम रह सकी तो उनके बाद तीसरी जनरेशन की कोई गारंटी नहीं जिन लोगों ने उन मुल्कों में जाके नेशनलिटी ली कभी मक्का में या मदीना में जब आते हैं और अक्सर लोग आते हैं हजुमरे के लिए तफसील से बैठिए उनके हालात ज़िंदगी तो दुनियावी खुशहाली ऐशो आराम सब कुछ है लेकिन मुस्तकबिल तोद के बारे में तारीख है घर मस्जिद से दूर हैं, उलमा मुआशरे में नहीं हैं, कोई दीन सिखाने वाला नहीं है और तालीम के लिए उन्हीं स्कूलों में भेजना है जिसमें यहूदो नसारा पढ़ते हैं पूरा सेटअप उन्हें के साथ जुड़ा हुआ है मेरे भाइयों अल्लाह की नेमत पर हम अल्लाह का शक्र अदा करें और अपने लिए और अपनी औलाद की पुख्तगी और सलामती की हम फिक्र और दुआ करें अल्लाह हमारी और आपकी मदद फरमाए आमीन